बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इंटरव्यू पेपर आयकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब कि जो आपके 2022 में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.paperhacker.in, ठीक है, paperhacker.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है वेबसाइट का। वहां जाकर जिस भी क्लास में है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है। हमने वो आपको मेंशन कर रहे हैं जो आपको जिंदगी में चाहिए, आगे चाहिए, मतलब आपको एक सफल होने के लिए चाहिए। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इसमें ये हमारा पार्ट वन होगा, पार्ट वन का मतलब होगा यूनिट एक। हमारी टोटल यूनिट चार होंगी पूरे पेपर में, फर्स्ट पेपर में चार यूनिट है। इसमें हम यूनिट वन को देखेंगे और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, समझेंगे। मैं सिंपल तरीके से आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन का पढ़ने का सही तरीका जो है वो है आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में आंसर को पढ़िए। अभी प्रेजेंट में आपको माइंड नहीं लगाना, ज़्यादा फोर्स पे नहीं देना माइंड पे, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है कि भाई आप माइंड पर फोर्स दो, ज़्यादा मत दो, क्योंकि उतना बल देना चाहिए दिमाग पर जितना देने लायक है। अभी हम माइंड पर जोर तब देंगे जब हम पेपर देते होंगे, मतलब कि आप पेपर में बैठे होंगे तब हमें माइंड पर जोर देना है, बस काम हो जाएगा, बस काम होने वाला है इतना ही। क्योंकि हम आपको फतेह मन मतलब आपको एक विजय कराने के लिए पूरा रास्ता चुन रखा है, एक रास्ता बिछा रखा है, उस रास्ते पर बस चलना है आपको, समझ रहे हैं, पूरा रोड डलवा रखा है, बस उस रास्ते पर आपको चलना है और सफल होना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, दोस्तों को शेयर कर रहा होगा। अब देखो यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, उसके बाद में आंसर को पढ़ना है, पहला क्वेश्चन है आंसर को पढ़ना है, पहला क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है आंसर को पढ़ना है, बाकी फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, याद मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलो पढ़ लेते हैं ध्यान से, समझ रहे हैं, बस आप सुनते रहिए वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए, काम हो जाएगा, मतलब सुनना है, ज्यादा कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं, सुनो बस, सुन लो ध्यान से। यहां पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वर्ष के समय में, मतलब एक वर्ष है उसके समय में उत्पादित अंतिम वस्तु, मतलब एक वर्ष के अंत तक जो भी अंतिम वस्तु उत्पन्न हुई है या फिर जो भी सेवाएं हुई हैं उनके जो मूल होत को क्या कहते हैं, ये पूछा गया, ध्यान से समझिए, समझने का क्वेश्चन समझ के पढ़ोगे काम हो जाएगा। यहां कह रहा है एक वर्ष के समय में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल को क्या कहते हैं, उसे सकल आय कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सकल आय, मतलब पूरे साल में जो भी हमने वस्तु बनाई, सेवाएं प्राप्त की और उनको बेचा, जो भी हमें मूल प्राप्त हुआ उनको हम सकल आय बोलते हैं, टोटल, ठीक है ना, इसमें हमें बचत नहीं हुई, मतलब सकल आय टोटल मिलाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, यहां कह रहा है किस अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित है, ये बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है वो उपभोग पर आधारित है, ये कौन से शास्त्री ने कहा था। तो आप कहोगे उस शास्त्री का नाम था फिशर, क्या नाम था, फिशर शास्त्री का नाम था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की सामाजिक लेखांकन जो रीति है को प्रतिपादित किया था, जो इस रीति को सामाजिक लेखांकन की जो रीति दी थी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वो किस शास्त्री द्वारा दी गई थी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जब भी बात करें और लेखांकन नीति की बात करें जो दी थी, तो आप उसको याद रखना स्टोन, स्टोन मतलब कि स्टोर, मतलब कि गणना करना, ठीक है ना, स्टोर करना कुछ ना, उन्होंने इकट्ठा किया सब कुछ, ठीक है ना, इकट्ठा किया तो स्टोर कह सकते हैं, स्टोर को हम स्टोन बना लेंगे, तो याद रखेंगे रिडार्स स्टोर ने की थी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए, परम सत्तांशर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां क्वेश्चन पढ़ना है आंसर पढ़ना, मैं बोल रहा हूं फालतू कुछ नहीं पढ़ना, ओके, माइंड पर ज्यादा जोर नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन यहां दे रखा है, निम्नलिखित में चौथा क्वेश्चन, निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो सबसे आकार सबसे बड़ा किसका होता है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार दबा के। यहां देखो निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो बेटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है जिसे हम जीएनपी बोलते हैं, सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है। उसके बाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है, पहली बात तो ये समझ लो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है, तो आप कहेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूलह्रास ये हमारा क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, समझ गए ना, मैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो भी हमारे राष्ट्र में जो उत्पन्न हुआ है कुछ भी
हमने वस्तुएं बनाई हैं प्लस मूल्यह्रास जो उसमें खर्च हुआ है, समझ रहे हैं, वो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही उन्होंने दे रखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की तीन प्रमुख रीतियां बताइए। मतलब हम राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्र है उसकी जो आय की गणना करते हैं उनके कोल कोई तीन रीति बता दें, कौन कौन सी रीतियां हैं ये बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को यदि मेंशन करेंगे, समझेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख तीन रीतियां, तो वो एक तो होता है उत्पाद करना, हमने कोई भी चीज को बनाया, व्यय करना मतलब ने खर्च किया, और आय आय मतलब जो हमने कमाया, समझ रहे हैं ना, उत्पाद व्यय और आय, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट रहेगा। इस तरीके से हमें समझना होगा, समझ के पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय पर विचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो राष्ट्र की जो आय थी उसको सबसे पहले किसने दिया होगा, तो आप कहोगे दादाजी ने दिया होगा। यार हमसे सबसे बड़े कौन होंगे हमारे घर में, तो कहोगे दादाजी होंगे, बाकी परदादा तो कब से खत्म हो चुके हैं, तो हमारे दादा भाई नौरजी, याद रखेंगे इस तरीके को कभी नहीं भूलेंगे आप सभी लोग, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित है, निम्नलिखित होता है क्या, तो आपको अगर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें उपभोग तथा निवेश वस्तुएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या सम्मिलित होता है, तो आप कहेंगे उसमें उपभोग और निवेश वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, शामिल होती हैं या फिर सम्मिलित होती हैं, बात वही होता है। यहां कह रहा है प्रति व्यक्ति आय से आज से क्या है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय से तात्पर्य क्या है, आज से क्या है, क्या समझते हैं, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, तो आप रखना कि राष्ट्रीय आय हमारे पूरे राष्ट्र में कितनी आय हुई, और राष्ट्र की कुल जनसंख्या हमारे पूरे भारत की, मान लीजिए भारत की आप राष्ट्रीय मतलब कह सकते हैं व्यक्ति, एक व्यक्ति की आय निकालना चाहते हैं कि वो कितना कमाता है, सही है, तो हमारे पूरे भारत में कितनी इनकम हुई, पहले तो हम ये करेंगे, ये सोर्स निकालेंगे पूरी इनकम कितनी हुई, टोटल आय, टोटल आय बटे हमारे पूरे भारत में कितनी जनसंख्या है, उन जनसंख्या से उस आय को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इस बात को समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का समकलन किया जाता है, तो आप कहोगे केंद्रीय संख्यांकी संगठन द्वारा किया जाता है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो भारत राष्ट्र की जो आय की गणना होती है वो उत्पाद और आय विधि का यूज किया जाता है, जो उत्पादन होता है और आय जो होती है उसका उस विधि का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आय लेखांकन रीति सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो वो थी किन्स द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन को आधार मानते हुए राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, तो देखो ये किसने परिभाषित किया है, ये आपसे पूछेगा कि उत्पादन है उसको आधार मानते हुए राष्ट्रीय आय को किसने, राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, तो जो कह सकते हैं जो मार्शल थे और एक पिंगू थे, इन दोनों ने दी थी, ठीक है, तो यहाँ उपरोक्त दोनों की बात करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कह रहा है उपभोग को आधार मानते हुए राष्ट्र आय की परिभाषा किसने दी थी, तो वो फिशर ने की थी, जो फिशर ने दी थी वो उपभोग को मानते हुए आधार माना था, लेकिन उत्पाद को आधार मानते हुए जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी थी वो मार्शल और पिंगू ने दी थी, इस तरीके से आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रहवां, वो है आय के चक्रीय प्रभाव में सम्मिलित किए जाते हैं, तो केवल जो सम्मिलित किए जाते हैं वो किए जाते हैं मौद्रिक सौदे, ओनली सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, आप हमारे इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर जरूर लें, या फिर हमारे एप्लीकेशन जो हमने प्ले स्टोर पर डाल रखा है आप सर्च करिए BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, और पेपर हैकर, इस तरीके की सर्च करेंगे तो पेपर हैकर के BA सेकेंड ईयर के सारे नोट्स आपको, या फिर आपके सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इन्जॉय करना है, उसके साथ में मस्ती करना है और पेपर देने चले जाना है, क्योंकि हमारा मकसद वो है जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताना है। यहाँ बोला गया है उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति
किस क्षेत्र द्वारा की जाती है? तो आप सभी कहेंगे वो परिवार क्षेत्र द्वारा की जाती है। कोई मान लीजिए कोई उत्पत्ति हुई, उनके साधनों की पूर्ति किसके द्वारा करोगे? परिवार क्षेत्र के द्वारा करोगे। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रीय प्रभाव किस समीकरण पर आधारित होता है? तो वो होता है C+I+G=Y। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोला गया है पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, यह कथन किसका है? तो आप कहोगे यह पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण कह सकते हैं, मांग का निर्माण स्वयं करती है, ये किसने कहा था? तो आप वो जेबी से ने कहा था, जेबी से थे उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत किसने सम्मिलित है या किससे सम्मिलित है या किसने दिया था? इस कैसे कहते हैं कि प्रतिष्ठित जो रोजगार का सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो आप इसका भी नाम जेबी से करना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। वही बोला गया है कि प्रभावपूर्व मांग का रोजगार सिद्धांत दिया, तो प्रभावपूर्व जो रोजगार होता है, मांग रोजगार होता है, वो किन्स द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। जनरल थ्योरी ऑफ, देखो ध्यान से, यहाँ बोला गया है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी के जो लेखक है, एक पुस्तक मान सकते हैं इसकी जो लेखक है वो किन्स द्वारा है। नीचे भी एक यही पुस्तक दे रखी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, पुस्तक के प्रकाशित हुई थी, वो कब प्रकाशित हुई थी? तो आप कहेंगे 1936 में प्रकाशित हुई थी। भाई ये कौन सा और ये किन्स द्वारा हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। यहाँ कह रहा है किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि कुल मांग में कमी, जो मांग में जो कमी है वही रोजगार, मतलब कि जो बेरोजगारी का कारण है, उत्पादन और बेरोजगारी कारण जो बताया था उन्होंने, वो कुल मांग में कमी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ बोला गया है किन्स के रोजगार सिद्धांत का कह सकते हैं आरंभिक बिंदु क्या था? तो जो आरंभिक बिंदु था वो था प्रभावपूर्ण मांग, ये था प्रभावपूर्ण मांग क्या था किन्स के द्वारा, जो रोजगार सिद्धांत का, जो कह सकते हैं जो रोजगार सिद्धांत दिया था उन्होंने किन्स ने, वो आरंभिक जो बिंदु माना गया था, सबसे पहला जो बिंदु माना गया था वो प्रभावपूर्ण मांग माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है, तो वो कुल मांग क्रिया पर और कुल पूर्ति क्रिया पर, दोनों पर करती है। इन दोनों को मेंशन करेंगे, ध्यान से पढ़ लेना, और बी दोनों रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न से किसने संपादित किया था? तो रोजगार जो संपादित किया था, कह सकते हैं जो किन्स ने एक रोजगार सिद्धांत दिया था वो निम्न में से किससे संबंधित था? तो वो अल्प रोजगार से था। ठीक है, किस चीज से संबंधित था रोजगार सिद्धांत किन्स का? तो हो गए अल्प रोजगार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या था? अल्प जो कालीन थी, मतलब अल्प रोजगार कह सकते हैं, बहुत कम रोजगार मिलना, उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ कि किन्स के रोजगार सिद्धांत का संबंध किस प्रकार की बेरोजगारी से है? तो आप कहोगे चक्रीय बेरोजगारी से होता है। ठीक है, किन्स के रोजगार सिद्धांत का संबंध किस प्रकार की बेरोजगारी से है? तो आप कहोगे चक्रीय बेरोजगारी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट के यही क्वेश्चन बोला गया है व्यापार चक्रों की जो प्रकृति होती है, तो व्यापार चक्रों की जो प्रकृति होती है वो चक्रीय होती है। ठीक है, जो व्यापार चक्र होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो आपको चक्रीय होती है, मतलब कैसे, ये दुकान पे आया सामान, मैंने यहाँ बनाया, मैंने दुकान पे सेल करने के लिए बोला, ठीक है ना, और आपने क्या किया, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोगों ने दुकान से खरीद लिया, तो ये कैसा है, चक्रीय, यहाँ चला फिर यहाँ चला, ठीक है ना, और फिर इन लोगों की जो भी मांग आई फिर मैंने वही चीज़ कंपनी ने बनाई, मेरी कंपनी ने, समझ रहे हैं, तो क्या कहलाता है, ये चक्रीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक, यहाँ कह रहा है व्यापार चक्र एक विलक्षण विशेषता बतानी है, तो आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यापार चक्र एक विलक्षण विशेषता कहेंगे, विशेषता की बात करेंगे कि व्यापार चक्र की एक विशेषता बताओ लक्षण सही, तो आप कहोगे वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ये गलत है। ठीक है, यदि हम वहीं की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए किन उपायों का सहारा लिया जाता है? तो आप कहोगे ये मौद्रिक और राजकोषीय दोनों का सहारा लिया जाता है, याद रखना इस बात को, नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्योरीज एक पुस्तक दे रखी है, इस पुस्तक के राइटर का नाम पूछा गया है, उसको एक ध्यान से देखेंगे। तो यहां एक पुस्तक दे रखी है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इस पुस्तक के राइटर का नाम हमसे पूछा है, तो वो है जे आर हिंस। ठीक है, जे आर हिक्स जो थे उनका ये पुस्तक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार चक्र का जो मौद्रिक सिद्धांत
किसने प्रस्तुत किया था? तो आप कहेंगे वो किया था हार्ट्रेड ने, ठीक है, जो हार्ट्रेड थे उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मौद्रिक सिद्धांत, याद रखें व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत जो दिया था वो हार्ट्रेड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये कथन आपको बताना है, तो वो है आर जी हार्ट्रेड, हार्ट्रेड का, तो ऑप्शन नंबर हम बी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र की अति विनियोग सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो अति विनियोग सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो हियक ने दिया था, हियक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना, हियक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हा से रिलेटेड होंगे, व्यापार चक्र की जब भी बात करेंगे तो किसने किया था क्या है, तो हा से ही याद करना कि हा से रिलेटेड होंगे व्यापार, हा कितना अच्छा है ऐसे करके। तो यहाँ बोला गया है हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत में जो निहित है वो क्या होता है, वो गुणक निहित होता है, त्वक निहित और दोनों, गुणक और त्वक दोनों निहित होते हैं इस बात का, मतलब गुण भी होता है और तर्क भी होता है उसमें, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो एक व्यापार चक्र है उसका नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये इस तरीके से क्वेश्चन हमसे बनता है, बताइए वो किसने किया था? तो याद रखेंगे सुम्पिटर ने द्वारा किया गया था, इसको नेक्स्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान रूप से व्यापार चक्र की अवस्थाएं होती हैं, तो समान रूप से जो व्यापार चक्र होता है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो चार अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, मतलब पार्ट वन का, पार्ट टू में हम टू यूनिट को देखेंगे, पार्ट थ्री में हम थ्री यूनिट को देखेंगे, समझ रहे हैं, और आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए यहाँ बोला गया है हॉटे का व्यापक चक्र सिद्धांत आधारित होता है, तो हॉटे का जो व्यापारिक चक्र सिद्धांत था वो बैंक शाख पर आधारित था, किस पर था, बैंक शाख पर आधारित था, ठीक है। अब हम पार्ट टू में, वीडियो के पार्ट टू में हम इकाई टू को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे पार्ट टू में हम मेंशन करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों को शेयर कर देना है, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, बाकी हम कोशिश करेंगे, आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट टू में, थैंक यू।